यहाँ देखो। पढ़ाया हाँ हाँ बोलो, कुछ डाउट है लास्ट टॉपिक में? हाँ कहाँ पे, कौन सी स्लाइड बताओ? ये जीरो सेकंड, तो क्लियर है, ये वाली ये कौन सा वाला? मेरे को बताना, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट। आगे ये वाली। हाँ, तो इसीलिए इसीलिए मैंने आज वाली पीपीटी में इसके बदले ये वाला डायग्राम क्लियर वाला आप लोगों को ऐड कर दिया है। तो ये दोनों सेम डायग्राम है, तो आप ये देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा, है ना? जो ये डायग्राम है ना वो ये सेम ही है ये दोनों, बस ये क्लियर था इसलिए मैंने आज वाले में ये ऐड किया है। कौन लेकिन सी? बट ये है ना देखो, आप यही बोल रहे हो ना कि ये वाला डायग्राम आपको क्लियर दिख रहा है? समझ नहीं आ रहा। डायग्राम हाँ, ये नहीं दिख रही। हाँ, तो इसकी जगह ये हो गई ना, ये क्लियर है ना? तो इस वाले डायग्राम का यूज करके आप देख लेना, तो इससे देख लेंगे। देखो कॉपी से, अपन ने पिछली बार में यही किया था, जब वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर अपन ने देखा था 180 डिग्री मोड, तो उसमें अपन ने किस तरह से रखा था कि T1 है, सब 180 चलेंगे, जितने भी ये है ना, ये सब 180 180 ब्लॉक है। बस आपको सबका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट देना है। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ईच ब्लॉक होगा आपका 180 का। अगर एक बार कोई भी चीज स्टार्ट हो गई तो वो 180 डिग्री चलेगी ही चलेगी। सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है कि T1 को स्टार्ट देना है 0 पे, T3 को आपको देना है 120 पे, और T5 को आपको देना है 240 पे, मतलब 120 120 का गैप रखना है। तो अब देखो इस डायग्राम में एकदम क्लियर है, तो आप लोगों को समझ आएगा। यहाँ देखो, सबसे पहले अपन ने क्या किया, ये स्टार्ट T1 को दिया 0 से 180 तक का। T2 को कहाँ से दिया? 120 से दिया, पर नहीं, यहाँ 120 से, लेकिन ये भी कितना चलेगा? 180 डिग्री। फिर T3 को अपन ने कितना दिया है? इसको अपन ने 240 से देंगे, अभी 240 से स्टार्ट हो गए, 240 प्लस 180, तो यहाँ पे जितने भी इंटरवल है ये कितने कितने टाइम ड्यूरेशन के होंगे? 180 डिग्री के। समझ आ रहा है? अब इसके अलावा जो T1 और T4 है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो यहाँ देखो T1 स्टार्ट होगा 0 से 180, जैसे ही ये ऑफ होगा T4 स्टार्ट हो जाएगा, देन T1 देन T4, इस तरह से चलेगा ये। समझ आ रहा है? तो एक बार ये डायग्राम देखना। फेज एंगल आपको नहीं, आपको ये ध्यान रखना है 120 का गैप देना है, 1 3। हाँ मतलब हर, मतलब इसके बाद में जब आप ये सब करने के बाद में जब इनको देखोगे आप यहाँ पे, तो हर एक चीज 60 60 डिग्री पे चेंज होगी। हर 60 डिग्री के बाद में आपका चेंज हो जाएगा, तो आपकी जो पल्स है वो हर 60 डिग्री के बाद में आपको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था आपका वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे 120 डिग्री मोड है, इसमें क्या होता है हर एक जो ब्लॉक है वो 120 डिग्री तक कंडक्ट करता है। इसमें 180 का था सारे ब्लॉक, इसमें सारे ब्लॉक 120 डिग्री के होंगे। तो वही T1 0 से स्टार्ट होगा, T2 120 से होगा, T3 240 से होगा, लेकिन एक बार स्टार्ट हो गया तो 120 डिग्री चलेगा। ठीक है, इस तरह से थे। लेकिन अब बस इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली, यहाँ देखो कि जो आपका 180 डिग्री मोड है इसमें क्या होता है कि देखो यहाँ पे जब अपन ये डायग्राम बनाते हैं, तो अपन ने ये एक डायग्राम, जैसे अपन ने क्या किया, T1 स्टार्ट किया यहाँ से, ये T1 आया यहाँ तक, ठीक है? फिर जैसे ही अपन ने T1 को ऑफ करेंगे, अपन को क्या चालू करना है? T4 को चालू करना है, ये T4 अपन को यहाँ से चालू करना है। तो क्या करेंगे, अब आप डायग्राम देखो, जैसे ही आपने T1 को ऑफ किया आपको क्या चालू करना है? T4 चालू करना है। बट आप अगर देखो तो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो जैसे कि मान लो जैसे मैंने इसको ऑफ किया और ये ऑन किया, अगर एक माइक्रो सेकंड के लिए भी ये दोनों ऑन हो गए, तो क्या होगा, सप्लाई के अक्रॉस आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा।
इस पूरे सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कभी भी अपन इन दोनों को एक साथ ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों को एक साथ ऑन कर दिया तो इस तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो आपका सप्लाई के अक्रॉस क्या हो गए, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इन दोनों को साथ में ऑन नहीं करना होता है, लेकिन अपने पास कंडीशन क्या आती है कि जैसे ही टी फोर ऑफ हो आपका टी फोर ऑन हो जाना चाहिए, जैसे ही आपका टी वन ऑफ हुआ, जैसे ये ऑन ऑफ हुआ ये ऑन हो जाना चाहिए, फिर ये ऐसे होना चाहिए, ये ऑन ये ऑफ, ये ऑन ये ऑफ, कभी भी साथ में नहीं होना चाहिए। बट अगर जैसे ही आप इसको ऑफ कर रहे हो और इसको ऑन कर रहे हो, तो एक माइक्रो सेकंड के लिए भी ये दोनों एक साथ ऑन हो गए, तो क्या होगा आपकी सप्लाई के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन रहती है आपके कि कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। 120 डिग्री में आपके क्या फायदा होता है कि आप क्या करते हो टी वन को, यहाँ पे देखो 120 डिग्री में क्या डिफरेंस आएगा जब आप ऐसे डायग्राम बनाओगे, तो क्या आप वहाँ पे टी वन को चलाओगे जीरो से लेकर के 120 डिग्री तक, केवल 21 डिग्री तक आप टी वन को चलाओगे। फिर टी फोर को कहाँ से ऑन करोगे, यहाँ से ऑन करोगे आप, यहाँ से टी फोर को ऑन करोगे। तो बेसिकली जब ये वाली चीज है, ये वाला डिटेशन यहाँ पे क्या है, ना टी वन ऑन रहता है ना टी फोर ऑन रहता है, तो आपके पास एक मार्जिन हो जाता है इन दोनों के बीच में गैप का। समझ में आ रहा है? एक तो मैं आपको बोलूँ कि फिक्स आपको क्या करना है, 10 बजे टी वन को ऑफ करना है और टी फोर को ऑन करना है। तो हो सकता है बाय चांस ऐसी कंडीशन आ जाए कि जब ये दोनों ही एक साथ ऑन हो जाए, क्योंकि फिक्स टाइम है आपके पास 10 बजे आपको ये करना है। और एक मैं आपको बोल दूँ कि 10 बजे तो आप टी वन को ऑफ कर देना और 10:15 पे आप टी फोर को ऑफ कर देना, यानी कि इसको तो आप ऑफ कर देना और इसको आप ऑन कर देना। तो इन दोनों के बीच में आपने 10 मिनट का गैप दे दिया, तो कभी भी ये कंडीशन नहीं आएगी कि आपका टी वन भी ऑन हो गया और टी फोर भी ऑन हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? देखो फिर से सुनना, अभी क्या होता है आपका 180 डिग्री के मोड में ये इस तरह से आपका डायग्राम बनता है, इस तरह से, मतलब इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि आपको क्या करना है, 10 बजे आपको फिक्स 10 बजे टी वन को तो करना है आपको ऑफ, और टी फोर उसी के साथ जो लगा हुआ है सीरीज में उसको करना है ऑन। समझो ये आपको करना है, तो ठीक है आप हर बार कर दोगे, बट बाय चांस ऐसा हो सकता है आपने जैसे इसको ऑफ किया और इसको ऑन किया, तो एक माइक्रो सेकंड का ऐसा टाइम आया जब ये दोनों ही ऑन हो गए, क्योंकि एक एक चीज तो ऑफ हो रही है और एक चीज ऑन हो रही है। अगर मैं आपको 10 बजे बोलूं कि दो स्विच है, एक को ऑन करना है और एक को ऑफ करना है, तो एक माइक्रो सेकंड के लिए ऐसा टाइम हो सकता है ना कि ये ऑफ होने वाला है बट अभी तक हुआ नहीं, तो ये भी ऑन है ये भी ऑन है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक माइक्रो सेकंड के लिए भी अगर आपका ऐसा हो गया कि ये दोनों ही ऑन हो गए, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका इस तरह से हो जाएगा कि टी वन भी ऑन हो गया आपका और टी फोर भी ऑन हो गया, तो ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे चांसेस होते हैं आपके शॉर्ट सर्किट होने के, हमेशा नहीं होगा, हमेशा हो सकता है कि नहीं सही टाइम पे आपने ये ऑफ कर दिया ये ऑन कर दिया, बट कभी कभी चांसेस होता है कि आपका ये दोनों एक साथ ऑन हो जाए और आपके शॉर्ट सर्किट हो जाए। बट ये प्रॉब्लम होती है आपकी 180 डिग्री के मोड में, जब अपन 180 वाला पढ़ते हैं, तो इसमें ये दिक्कत हो सकती है कि कभी कभी आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है। लेकिन जो अपना सेकंड वाला मोड है 120 डिग्री, ठीक है, ये था आपका 180 डिग्री के मोड में ये प्रॉब्लम थी अपनी। तो जो अपन ने सेकंड वाली चीज पढ़ी है 120 डिग्री मोड, ये वाला, इसमें क्या होता है कि अपन इस चीज को ऐसे करते हैं कि टी वन है उसको आप ऑफ कर दो 10 बजे, और टी फोर है उसको आपको ऑन करना होता है, लेकिन आप उसको 10:15 पे करो, तो मतलब एक टाइम मार्जिन दे देते हैं अपन यहाँ पे। समझ आ रहा है? पहले तो अपन क्या बोल रहे थे 10 बजे इसको ऑफ करो और इसको ऑन करो, 10 बजे दोनों का काम करते थे, लेकिन अब अपन ने 15 मिनट का गैप दे दिया, तो आप कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं होंगे ना। यहाँ देखो इसको ऐसे समझो, ये अपने पास क्या था, ये 180 का मोड बता रही हूँ आपको, तो 180 में मैं क्या कह रही थी कि 10 बजे आपको क्या करना है, 10 बजे टी वन को तो आपको कर देना है ऑफ और टी फोर को आपको कर देना है ऑन, फिर 10 बजे करना है आपको। तो कभी कभी ऐसे चांसेस हो जाते हैं अपने कि माइक्रो सेकंड के लिए ये दोनों ऑन हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है इन केस ऑफ 180 डिग्री मोड। बट 120 डिग्री मोड में क्या है, 120 डिग्री मोड में अपन ऐसे बोलते हैं कि आप क्या करो 10 बजे टी वन को तो कर दो आप ऑफ, सेम ऐसे ही, लेकिन 10:15 पे आप टी फोर को कर दो ऑन। समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो 10 बजे अपन को ये दोनों काम करने थे, यहाँ पे 10 बजे आप आराम से एक काम करो
फिर आपको टाइम मिलेगा, फिर 10:15 पे आप दूसरा काम करो। तो कभी भी ऐसा केस आएगा ही नहीं कि ये दोनों आपने एक साथ ऑन कर दिए हो या ऑफ कर दिए हो। एक आराम से बंद हो जाएगा, तो 15 मिनट बंद होने के लिए, क्योंकि स्विच ही तो है। 10 बजे अगर आप दोनों चीजें करोगे तो स्विच है, सपोज आपने ऑफ कर दिया, एकदम से करंट नहीं आएगी ना, करंट इस तरह से फ्लो हो गई तो ऐसे थे ना एकदम से जीरो हो जाएगी, वो धीरे 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 डिक्रीज होगी। T4 आपने ऑन कर दिया तो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। तो हो सकता है ना एक ऐसा टाइम हो कि ये प्रॉपरली बंद हुआ ही नहीं हो और ये भी चालू हो गया हो, तो दोनों ऑन हो जाएंगे क्योंकि आप सेम टाइम पे कर रहे हो। लेकिन इसमें क्या कर रहे हो, 10 बजे एक काम कर रहे हो, आप 10:15 पे दूसरा काम कर रहे हो, तो एक टाइम मार्जिन मिल रहा है आपको। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों साथ में ऑन हो गए, तो कभी भी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ। समझ आ रही है चीज क्या? वापिस से रिपीट करो। हाँ हाँ वापिस, अच्छा है ना। तो अपने पास क्या होता है कि 180 डिग्री में तो कभी भी शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस नहीं होते हैं। 180 डिग्री में हमेशा ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होता है, क्योंकि आप देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इस पे एक चीज बंद हो रही है और दूसरी चीज भी स्टार्ट हो रही है। तो हो सकता है एक बिल्कुल माइक्रो सेकंड के लिए, 1 सेकंड की भी बात नहीं करिए, एक पॉइंट ऐसा हो कि जब वो पूरी तरह से ऑफ हुआ ही हो और दूसरी चीज ऑन हो गई हो, तो ये वाले जो पॉइंट होता है यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं इन केस ऑफ 180 डिग्री के मोड में। लेकिन 120 डिग्री के मोड में क्या होता है कि देखो ये एक पूरा इस तरह से ऑफ हुआ आपका, फिर टाइम मिलता है आपको, फिर आप दूसरे को ऑन करते हो। तो यहाँ पे कभी भी क्या होता है इस वाले केस में, कभी भी आपकी जो दो थायरिस्टर है वो कभी भी एक साथ शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, क्योंकि जब एक ऑफ होगा फिर उसके बाद में आपको टाइम मार्जिन मिल गया, वो आराम से अपना ऑफ टर्न ऑफ टाइम लेगा। उसके कुछ टाइम बाद में आप क्या करोगे कि दूसरे वाले थायरिस्टर को स्टार्ट करोगे। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि दोनों चीजें एक साथ शॉर्ट सर्किट हो गई हो। तो ये एडवांटेज है आपका 120 डिग्री मोड का। समझ आया कुछ, है ना? तो जब भी आपसे पूछे कि आपको कौन सा मोड प्रिफर करना है, तो अपन ये वाला मोड प्रिफर करता है। क्यों? क्योंकि इसमें कभी भी आपके पास ऐसा नहीं होगा कि आपके सप्लाई के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट हो गया है 120 डिग्री मोड में इस तरह से। तो ये 120 डिग्री, ये अपने 180 डिग्री का बनाया है, सेम ये चीज आप 120 डिग्री बनाओगे और आपको 120 डिग्री में ये समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ टाइम मार्जिन मिलेगा आपको। तो ये इस तरह से पता करेंगे, ठीक है? तो ये था आपका 3 फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, इसका रिव्यू था आपके लिए। बेसिकली आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो, बट चांसेस है कि आपसे फिर से एक बार और पूछ ले। तो इसमें भी 180 डिग्री मोड का पूछेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हालांकि, लेकिन वो सिर्फ आपको बताएगा नहीं कि 180 डिग्री मोड में क्या डिसएडवांटेज थे जो आपने 120 डिग्री मोड चूज किया। तो 180 डिग्री मोड में ये डिसएडवांटेज थे कि अपना कभी कभी क्या होता था, कुछ कुछ ऐसे इंस्टेंस होते थे जब अपना सप्लाई के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट हो जाता था, तो 120 डिग्री मोड में वो चीज अपनी अवॉइड हो गई है। तो ये अपन ने इसमें पढ़ा है, ठीक है? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक से। हाँ बोलो, कुछ डाउट किसी को? अब आज का नेक्स्ट टॉपिक है आपका बहुत इजी है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इसके बारे में भी आप लोग काफी पढ़ चुके हो। देखो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होता है, द फंडामेंटल मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम एन इन्वर्टर कैन बी कलेक्टेड टू बी कॉन्स्टेंट बाय एक्सरसाइजिंग कंट्रोल विद इन द इन्वर्टर इटसेल्फ, देयर इज नो एक्सटर्नल कंट्रोल सर्किट इज रिक्वायर्ड। मतलब ये क्या कह रहा है, जो इन्वर्टर का आपका आउटपुट होता है, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में चेंज करता है, तो इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है उसको आप किस तरह से एकदम अच्छा कॉन्स्टेंट आउटपुट ले सकते हो, तो उसके लिए आपको ये मेथडोलॉजी यूज करनी पड़ती है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, इन्वर्टर के अंदर ही यूज हो जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको इन्वर्टर के बाहर कोई चीज, आपको इन्वर्टर के बाहर आपको ऑन करनी है, ठीक है? तो इस तरह से हो जाता है आपका। तो अब इसमें क्या करना है आपको, द मोस्ट एफिशियंट मेथड ऑफ डूइंग दिस इज बाय पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल। इन दिस स्कीम इन्वर्टर इज फेड विद अ फिक्स्ड इनपुट डीसी वोल्टेज एंड अ कंट्रोल एसी इज ओपन। मतलब देखो इसमें बेसिकली अपन क्या करने वाले हैं कि अपना जो इन्वर्टर है वो क्या करेगा, आपकी डीसी को एसी में चेंज करेगा, इस तरह से आपके डीसी को वो एसी में चेंज करेगा। तो यहाँ पे जो आपको एसी मिलेगा वो एकदम कंट्रोल्ड एसी मिलेगा, ठीक है? अब अपन को किस टाइप का कंट्रोल चाहिए वो अभी अपन देखेंगे। तो बेसिकली आप इस मेथड का यूज करके आप यहाँ पे जो आपका आउटपुट है वो एकदम कंट्रोल आउटपुट आपको मिल सकता है विदाउट यूजिंग एनी अदर सर्किट, ठीक है? अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है पीडब्ल्यूएम यूज करने के, पहला एडवांटेज है आपका द आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल कैन बी ऑब्टेन विदाउट एडिशनल ऑफ एक्सटर्नल कंपोनेंट। मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है आपका वो एकदम
कांस्टेंट कंट्रोल आउटपुट मिलता है बिना किसी एडिशनल कंपोनेंट के। दूसरा है कि इस पीडीएम यूज करने से क्या होता है, आपके हार्मोनिक्स भी रिमूव हो जाते हैं, आपको फिल्टर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप पीडब्ल्यूएम मेथड यूज कर रहे हो तो आपके हार्मोनिक्स अपने आप रिमूव होते हैं, स्मूथ वे फॉर्म मिलते हैं आपको, तो आपको फिल्टर की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि स्विचिंग डिवाइस यूज इन दिस इन्वर्टर आर एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे जो अपन डिवाइसेस यूज लेते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। क्यों? क्योंकि पीडब्ल्यूएम मेथड में क्या होता है, आपको एक ही स्विच को बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करना पड़ता है, तो उसकी स्विचिंग फ्रिक्वेंसी है, जिस स्पीड से आप उसको ऑन ऑफ कर रहे हो वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो अपन को क्या होता करना होता है कि वो जो जो आपके इक्विपमेंट होता है वो भी उतने कॉस्टली होते हैं। तो बेसिकली कॉस्टली इक्विपमेंट इसके यूज आते हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। आप देखो तो बेसिकली अगर कोई आपसे पूछता है कि पीडब्ल्यूएम अपन क्यों यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, अब व्हाई वी आर यूजिंग पीडब्ल्यूएम टेक्निक्स, तो पहला अपना होगा टू कंट्रोल द इन्वर्टर आउटपुट फ्रिक्वेंसी। जो इन्वर्टर का आउटपुट है उसकी फ्रिक्वेंसी भी आप कंट्रोल कर सकते हो, उसका आउटपुट भी कंट्रोल कर सकते हो, और इससे क्या होगा आपके हार्मोनिक्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये सब मेथड के लिए अपन पीडब्ल्यूएम यूज करते हैं। अब कैसे क्या करते हैं ये भी अपन देखेंगे। बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। देखो इसमें क्या होता है, अपन क्या करेंगे, जैसे कि अभी सिंगल फेज के बारे में पढ़ते हैं अपन, तो सिंगल फेज में क्या करना होगा, जैसे कि आपके इन्वर्टर ने क्या किया, आपके इन्वर्टर ने डीसी को इस तरह से एसी में चेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन अब इसका कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि मान लो आपके एसटीआर पढ़ा है ना हमने, एसटीआर थायरिस्टर समझते हो ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था, तो ये अपना एसटीआर होता है। तो ये कब ऑन होता है आपका एसटीआर, बताओ इसके ऑन होने की क्या क्या कंडीशन होती है। ये आपका डायोड है, डायोड कब ऑन होता है, ये है आपका पी, ये है आपका एन, तो पी को किससे कनेक्ट करते हैं अपन, पॉजिटिव से एन को करते हैं नेगेटिव से, तो आप बोलते हो आपका थायरिस्टर ऑन हो जाएगा, ये आपका डायोड ऑन हो जाएगा। बट थायरिस्टर में क्या एक ये चीज एक्स्ट्रा होती है, इसको बोलते हैं गेट सिग्नल। तो ये कब ऑन होता है, जब आप पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करो, एन को नेगेटिव से कनेक्ट करो, इतना तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक और चीज क्या एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, गेट सिग्नल देना पड़ता है। याद आ रहा है कुछ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप ओनली पी से पी को इससे कनेक्ट करोगे और एन को इससे कनेक्ट करोगे तो आपका थायरिस्टर ऑन नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक गेट पल्स देनी पड़ेगी। तो ये जो गेट पल्स होती है, अब सपोज मैं आप इसको क्या होता है, स्टार्टिंग के लिए गेट पल्स देनी होती है। अब आपने ये वाली गेट पल्स दे दी, तो जैसे इसको ये गेट पल्स यहाँ पे मिली, इसको पता चल गया ओके इसको स्टार्ट होना है, तो आपका ये थायरिस्टर स्टार्ट हो गया। लेकिन फिर भी गेट पल्स पूरी इस तरह से कर दी, तो अब इसका तो कोई यूज ही नहीं है ना, समझ रहे हो आप, अपन को तो बस एक स्टार्ट करने के लिए एक ट्रिगर की जरूरत थी, इतनी बड़ी वेवफॉर्म की कोई ना जरूरत थी। अगर इसकी जगह मैं ओनली ये वाली चीज देती इसको इस तरह से ये, और बाकी टाइम कुछ नहीं देती, तो भी ये ऑन होता ना, जैसे ही वो उसको ये मिला वो ऑन हो गया। अब इसको हर टाइम थोड़ी ना ट्रिगर की जरूरत है, बस अभी ऑन हो गया। अब जब आप इसको ऑफ करना चाहते हो तो आप ऑफ के लिए आपको मेथड यूज में करने पड़ेंगे, फिर जब आपको वापस से ऑन करना है तो आप इसको वापस से ये पल्स दे दो। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं आपको ये कह रही हूँ कि जब अपन थायरिस्टर पढ़ते थे एससीआर, तब अपन उसमें पढ़ते थे कि आपका जो एससीआर है इस तरह से वो आपका ऑन होता है जब आप उसको फॉरवर्ड बायस करते हो, पहली चीज पी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और दूसरा जब आप उसको गेट सप्लाई देते हो, ये दो कंडीशन होती थी। तो आपने फॉरवर्ड बायस तो कर दिया, अब गेट यहाँ पे तो अपन को सप्लाई देनी है। अगर मैं इसको इस तरह से दूं पूरी सप्लाई, तो कितनी पावर है इस पर जो रही है मेरी, क्योंकि इसको तो क्या बस स्टार्ट करिए, जैसे इसने देखा कि ओके सिग्नल आया मेरे पास स्टार्ट हो जाएगा, फिर इसको मतलब ही नहीं है कि कितना पावर का है कितना क्या है, इसको तो बस एक फिगर देना है अपन को, जैसे इसने देखा सिग्नल आया है आपका एसटीआर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बड़ी वेवफॉर्म ना देखी, अगर मैं इसको इतनी सी पल्स दे दूं तो भी तो ये स्टार्ट होगा, तो आपकी पावर बच गई ना। समझ आ रहा है कि सबको क्या कहना चाह रही हूँ, जहां भी डाउट लगे बच्चों प्लीज बोलना। तो बेसिकली क्या करते हैं अपन, कि इतनी बड़ी पल्स ना देखते हुए गेट से के लिए एक छोटी सी पल्स दे देते दे देते हैं, क्योंकि उसको तो बस स्टार्ट होना है, तो उसे लिए सबसे ज्यादा क्या होता है, जिसका चीज होती है अपन पीडब्ल्यूएम मेथड का यूज करते हैं। लेकिन इसमें क्या करता है, जैसे आपकी ये साइन वेव है इसको मेरे को मॉड्यूलेट करना है, इसको मेरे को चेंज करना है। ठीक है, तो क्या करूंगी मैं, सबसे पहले एक रेफरेंस वेव लूंगी, तो मैंने रेफरेंस क्या लिया, एक ट्रायंगुलर वेव लूंगी इस तरह से, या ट्रायंगुलर वेव मैंने इस तरह से रेफरेंस ले लेंगे। अब मैंने क्या कहती थी, मैंने इस तरह से बोला इसको,
देखो मैंने ये बोला है कि जब जब एक सेकंड, जब जब क्या होगा कि आपकी साइन वेव, जब जब सपोज आपकी कैरियर वाली जो वेव है उसका वोल्टेज ज्यादा होगा साइन वेव से, ये वाली कंडीशन आएगी तब तक आपको आउटपुट मिल जाएगा। मतलब जब जब आपकी जो स्टैंडिंग में कैरियर वेव है इसका वोल्टेज ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू आपकी साइन वेव में, तब तक आपको आउटपुट मिलेगा। अगली कंडीशन चेक करो, यहाँ देखो ये आपकी साइन वेव है, इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ ये जो एकदम स्टार्टिंग वाला पॉइंट है यहाँ पे देखो किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, कैरियर का या साइन वेव का, जीरो के एकदम जस्ट बाहर वाला पॉइंट, जीरो से लेके यहाँ तक का है हमें। ये देखो ये 0 पॉइंट देखो, एक तो यहाँ और एक ये वाला पॉइंट देखो, इन दोनों के अंत के बीच में ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ पे क्या एम्पलीट्यूड ज्यादा है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही कि अभी देखना आपने कट करके आए तो बताना। यहाँ देखो मैं ये कह रही हूँ कि इस 0 वाले पॉइंट से लेकर यहाँ तक देखो डिस्टेंस में किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, क्या अब देखो साइन वेव तो आपकी कहाँ पे है, यहाँ पे, और आपका ट्रायंगुलर वेव कहाँ है, यहाँ पे। ये देखो आपकी साइन वेव किस तरह से है, आपकी साइन वेव जो है ये रेड वाली, ट्रायंगुलर वेव कहाँ है आपकी, साइन वेव है और ट्रायंगुलर है आपकी ये, एम्पलीट्यूड ज्यादा है। अभी देखो ब्लू लाइन जो मैंने बनाई है ये है आपकी ट्रायंगुलर वेव यहाँ तक, और रेड लाइन है वो है आपकी साइन वेव, तो किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है अभी, साइन वेव का ना, तो इस टाइम पे अपना आउटपुट मिलेगा आपको, ठीक है। किस तरह से आउटपुट मिलेगा ये देखो, इतनी सी ड्यूटी अपन ने फिक्स कर दिया कि 1 आउटपुट के इतनी सी ड्यूरेशन के लिए मेरे को ये वाली पल्स मिलेगी, इतनी सी ड्यूरेशन के लिए मेरे को ये वाली पल्स मिलेगी, तो जब जब आपका साइन वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तब तब आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। आगे और चेक करते हैं, अब देखो यहाँ से आगे वाली देखो, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन कि ये तो है आपका ट्रायंगुलर वेव, ये आपकी साइन वेव, ठीक है, और इस ड्यूरेशन में आपकी ट्रायंगुलर वेव कितनी है, आपके बाद अभी किसका ज्यादा हो गया, किसका तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको आउटपुट तब मिलेगा कि जब भी आपके साइन वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा ट्रायंगुलर वाले में, ट्रायंगुलर वाले को कैरियर बोलते हैं, कैरियर वेव अपनी कैरियर देखा, तो जब जब साइन का ज्यादा होगा तब तक भी आपको आउटपुट मिलेगा। तो अभी तो साइन का एम्पलीट्यूड बिना ब्लू वाली लाइन आपकी साइन वाली है और रेड वाली आपकी कैरियर वाली है, तो साइन कम है तो करेक्ट के लिए ये वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं होगी, तो यहां पे आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, जीरो आ जाएगा फुलफिल वाले वेवफॉर्म में, इसमें यहां पे कुछ भी आउटपुट नहीं दिया, यहां पे इसने किस तरह से ड्रॉ कर दिया जीरो, इतना एक के पोर्शन में जीरो, समझ आ रहा है। फिर उसके बाद में एक बार नेक्स्ट टाइम और देखो, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये है आपकी साइन वेव, नेक्स्ट क्वेश्चन में जहां जहां पे कर सकते हैं वहां वहां पे अपन को लिखना है, ये है आपकी साइन वेव और ये है आपकी ट्रायंगुलर वेव, इजीली पता चल रहा है किसका एम्पलीट्यूड बड़ा है, साइन वेव का बड़ा है, तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा आउटपुट में। फिर नेक्स्ट देखोगे आप तो ट्रायंगुलर वेव का बड़ा होगा तो 0 मिलेगा, तो 1 0 1 0, तो जहां जहां पे ये चीजें कट होती है वहां वहां पे आपको चेक करना है, तो जब जब आपके साइन वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा आपको इस तरह का आउटपुट मिल जाएगा, और जब जब नहीं होगा तो 0 मिलेगा, तो इस तरह से आपकी वेव फॉर्म बनेगी, समझ आ गई, पल्सेस की फॉर्म में। इसका आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, सपोज आपको कोई फाइल चैनल को बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करना है, तो आप हर बार उसको इसी पर ही वेव फॉर्म बना सकते हैं, अगर देखो कि सारे प्रॉपर ट्रैवल कर देते तो कुछ टाइम के ऑन कर देते थे ऑफ कर देते, तो अपन बार बार ऐसा क्या करेंगे, ऑन भी नहीं फिर वापस से ऑफ भी बड़ी पड़ तो नहीं, अपन उसमें क्या करेंगे फ्रिक्वेंसी सेट कर लेंगे। अभी भी यहाँ पे इतनी
ट्रायंगुलर वेव है, अगर किसी की जगह पर ट्रायंगुलर वेव इतनी बड़ी बड़ी बनाती तो ये दो बार ही पल्स होता, दो बार ही पल्स आती है। इस तरह से अपन फ्रीक्वेंसी सेट कर लेंगे तो फिर क्या उसके अकॉर्डिंग आपके पास इस तरह से पल्स आएगी। तो आपको ऑन करना है, तो आप ये जैसे फर्स्ट वाली पल्स लेगा वो ऑन हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपको फिर से 10 मिनट बाद ऑन, फिर आपने ऑफ कर दिया 2 सेकंड के बाद, फिर आपको ऑन करना है ये वाली पल्स के, तो ये वाली पल्स के अकॉर्डिंग बड़ा अच्छा बट उसकी स्विचिंग हो जाएगी, ऑन ऑफ हो जाएगा। इस तरह से अपन पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का यूज करता है। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यही होता है क्या, उसमें क्या करते हैं एक डेफिनेट सिग्नल होता है जिसको आपको मॉड्यूलेट करना होता है, तो वो कौन सा सिग्नल है आपका ये साइन वेव। इसके अलावा आप एक कैरियर सिग्नल देते हो, कैरियर सिग्नल कौन सा होता है, ट्रायंगुलर वेव। इन दोनों को जब आप कंपेयर करवाते हो उस हिसाब से आप सेटिंग कर रहे हो कि आपको साइन वेव बड़ा होगा तब आउटपुट क्लियर, कैरियर वेव होगा तब आउटपुट क्लियर, उस हिसाब से आपको इस तरह की पल्सेस मिल जाती है। इसी को बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। कुछ समझ में आया, इसी के बारे में डिटेलिंग पढ़ने वाला है, पूरा लॉजिक यही है, इसी के बारे में बताएगा। ठीक है, देखो क्या बोलता है, साइनोसॉइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, the sinusoidal pulse width modulation also known as triangulation subharmonic and subpopulation method is very popular in industrial applications and is extensively reviewed in literature. The SWS explains the procedure. अब देखो अभी सिंगल फेज भी आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि आपने क्या किया, हमने जो वोल्टेज सोर्स पढ़ा था उसमें हमने वोल्टेज सोर्स लगाया था, फिर कैपेसिटर लगा दिया था, हमने कैपेसिटर लगा दिया, और अभी दो फेज भी आपको एक्सप्लेन करना है, यदि आपको हाफ फेज भी एक्सप्लेन करना है, बाकी आपको थ्री फेज तक जाना है। बाकी कैसे करेगा, देखो इसने क्या किया, ये इसने ये एक फेज में आपको लिया है ट्रायंगुलर वेव और एक साइन वेव, तो जब जब ये कट होगा तब तक इसमें इस तरह से फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। तो इसमें ये लिख गया कि जब जब आपका रेफरेंस सिग्नल बड़ा होगा तब तब आपका आउटपुट भी ये लेगा, जब जब आपका रेफरेंस सिग्नल लेस देन होगा कहने लगे तब तब आपका आउटपुट भी गेन देगा। अपन ने वन वन सेट किया था, जैसे रेफरेंस सिग्नल बड़ा होगा तो आपका आउटपुट में वन चाहिए, तो इसने सेट कर दिया जैसे रेफरेंस सिग्नल बड़ा है तो आउटपुट में आप दे दो, अगर वो इससे लेसर है तो आउटपुट में आउटपुट मिलेगा। इस तरह से हमने ये सेट कर दिया। तो अब जब जब आपके पास क्या होगा, एक अलग से आपके पास ये बॉक्स है इसमें कंपेयर होगी दोनों के, फिर उसके बाद में पल्स आ जाएगी, जब आप इसको पल्स मिलेगी ये ऑन हो जाएगा तो आपको मिलेगा बी बाई टू, जैसे ही वाली पल्स उसको मिलेगी या आपका आउटपुट मिलेगा माइनस टू बाई टू। इस तरह से आपका सर्किट चलेगा। ये है आपका सिंगल फेज हाफ ब्रिज के लिए, ऐसे ही देखो इस्तेमाल कर सकता है, ये भी एक बड़ी एक्सप्लेन कर रहा है, इसको बोल रही है अपन मॉडिफाइड वेव, इसको बोल रही है अपन कैरियर वेव। टर्म्स का ख्याल रखना, आप देखो जहां जहां इस तरह से कट हो रहा है वहां वहां पे इसने ये बनाया, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है, जहां जहां पे कट करेगा उस तरह से इसमें ये लॉजिक सेट करके अपन को ये आउटपुट मिल जाएगा। अब ये अपन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, अपन बोलते रहे कि ऐसा होगा वैसे होगा, किसी भी इंप्लीमेंट कैसे होता है, ये होता है एक कंपैरेटर यूज करके। कंपैरेटर बिल्कुल वही होता है जैसा हम करते हैं ए प्लस बी, तो बस वही वाली चीज आपका कंपैरेटर करेगा। तो प्लस में तो अपन दे देते साइन वेव और माइनस में अपन एक कैरियर वेव जनरेट करके दे देते हैं। कैरियर वेव अपन को ट्रायंगुलर चाहिए तो अपन क्या करेंगे, एक ऐसा सर्किट बीच में लेके ट्रायंगुलर वेव जनरेट करके देगा। इन दोनों को अपन कंपैरेटर से देते हैं बस। अब इसके बाद में वही कंपैरेटर कैसे कंपेयर करते हैं, इस तरह से आपको साइनसोइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के सिग्नल मिल जाते हैं। और यही है कि आप ये सिग्नल कैसे जनरेट कर सकते हो, ये मेथड आपको जनरेट। उसके बाद में आता है आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड साइन वेव इज लार्जर देन द कैरियर सिग्नल ओवर मॉड्यूलेटेड पल्स। अब देखो अगर आपने आपकी साइन वेव ऐसे ले ली, सपोज आपने ट्रायंगुलर वेव इस तरह से और साइन वेव का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू योर ट्रायंगुलर वेव, इस कंडीशन में क्या होता है, ओवर मॉड्यूलेटेड, आपको प्रॉपर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन नहीं मिल पाता, क्योंकि इस वाले केस में देखो कटेगा कहाँ पे, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट रहा है, इस तरह से यूनिफॉर्म मिलेगी, बहुत बहुत इस तरह से मिलेगी। जबकि पहले क्या हो रहा था कि अपनी जो साइन वेव थी उसका मैग्नीट्यूड इसी के अप्रोक्सीमेट था, अगर वो क्या इधर इस तरह की डिफरेंस मिलेगी। इस वाले केस क्या है कि अपने मॉड्यूलेटेड वेव जो अपनी साइन वेव है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू कैरियर वेव, इस वाले केस को अपन बोलते हैं ओवर मॉड्यूलेशन हो जाएगी, इसको बोलते हैं अपन ओवर मॉड्यूलेशन। जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव दैट ऑफ कैरियर वेव। ठीक है, मतलब ये जो आपकी
मॉड्यूलेटेड वेव है साइन वेव, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय आपके कैरियर वेव का मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं अपन मॉड्यूलेटेड इंडेक्स। इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, बट अगर ये वाले कंडीशन आ गई आपके ओवर मॉड्यूलेटेड, इस केस में इसकी वैल्यू कितनी चली है, मोर देन 1। ठीक है, अब ये देखो नीचे थ्री फेज के बीच में जैसे होगी ज्योमेट्रिक में ये क्या है कि आपकी फेज ए है सपोज, ये आपका बी फेज है, ये आपका सी फेज है, इस तरह से तीन फेज है, तो ये तीनों हो गए आपकी साइन वेव। अब इसके लिए हमने एक कैरियर फ्रीक्वेंसी चूज कर दी, जहां जहां पे इसको इस तरह से कट करेगा वहां वहां पे आपके पास ये वेव फॉर्म जनरेट हो जाएगी। तो इसमें आपको फिक्स बताया है यहाँ पे, ये जैसे जैसे जनरेट हो रहा है आपके पास वेव फॉर्म जनरेट होगी, उसको आप वेव कंडीशन में भी काम में ले सकते हैं इस तरह से। या फिर थ्री फेज के लिए हो गया, जब हमने वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर पड़ेगा इसके लिए हो गया, हम बोलते हैं ना एच वन को ऑन करेंगे एच को ऑन करेंगे, तो किस तरह से करेंगे, तो सबसे इस तरह से हम उसको ऑन करते हैं ओवर मॉडल। अब ये आ गया आप थ्री फेज कैसे जनरेट करेंगे, तो थ्री फेज के लिए भी यही करना है आपको, ये ए फेज है उसको भी ट्रांसफर करके आप कंपेयर करवाओ, बी फेज कहाँ देंगे 120 के बाद, बी फेज है इसको भी ट्रायंगुलर से कंपेयर करवाया, सी को भी ट्रायंगुलर से कंपेयर करवाया, तो तीनों के लिए आपके पास ये वेवर्स प्रोड्यूस होगा। तो यही आपके सिलेबस में है, थ्री फेज साइनोसॉइडल फर्स्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, तीन सिंगल फेज वालों को आप कनेक्ट कर दोगे तो मतलब एक फेज बन जाएगा, बस यही है आपका, ठीक है, साइनोसॉइडल फर्स्ट मॉड्यूलेशन।